ये नुबड़े मैं सोच रहा हूँ कल से मैं गेमिंग विद लेजेंड की वीडियो थोड़ी सी कम देखूं। साले ये क्या बोला बे, गेमिंग विद लेजेंड की वीडियो तू कम देखियो। साले ऐसा तूने किया ना, तेरे घर पे आ गए, तेरे को मारूंगा, तेरा जो मोबाइल है वो ले लूंगा। साले आके भाई की वीडियो को डेली लाइक कर, सब्सक्राइब कर और शेयर कर। कैसा लगा मेरा मजाक? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोग कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है। जिसमें गाइस यार मैं लगभग 90% श्योर हूँ कि आज रात के 12 बजे क्या आएगा, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को टाइटन इनविटेशन टूर्नामेंट में जो आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो सब कुछ गाइस यार इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो प्लीज गाइस यार वीडियो को देख लेना शुरू से लेकर एंड। और गाइस यार और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल वाली वीडियो में गिव अवे रखा था, और मैंने गिव अवे थोड़ा अलग रखा था। मैंने बोला था कि जिस बंदे के कमेंट्स में सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस बंदे को मैं 100 डायमंड दूंगा। तो गाइस यार कल वाली वीडियो में हम गिव अवे रिजल्ट निकालेंगे, जिस बंदे के कमेंट्स में सबसे ज्यादा लाइक्स आए होंगे उस बंदे को मैं 100 डायमंड्स दूंगा आप लोग के सामने, जो हमारी कल वाली वीडियो होगी। ठीक है, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी जाके कर लो, और सबसे ज्यादा लाइक्स जिसके कमेंट्स में आए उसको वो जीत जाएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करो और बोलो यार मेरे कमेंट में लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसा करके आप लोग कह देना, जिससे आप लोग जीत भी सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो अपडेट है वो गाइस यार हमारे टुनाइट अपडेट से है कि आज रात के 12 बजे गेम पे आप लोगों को कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, आज की गाइस यार जो टुनाइट अपडेट की प्रेडिक्शन है, यानी गाइस यार जिसके काफी हाई चांस है, वो गाइस यार हमारे डायमंड रॉयल के डिस्काउंट इवेंट से है। ठीक है, तो गाइस यार अभी तक जो लीक्स मिली है उस हिसाब से मुझे पता लगा है कि आज रात के 12 बजे आप लोग गाइस यार 40-50 ऐसे परसेंट ऑफ डायमंड रॉयल पे देखने को मिल सकता है, या फिर गाइस यार किसी और चीज में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डायमंड रॉयल के सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग को आज के दिन 40% ऑफ ऐसे करके कुछ डायमंड रॉयल पे स्पिन मारने पे डिस्काउंट मिलेगा। मतलब गाइस यार जिनको भी यार ये एडम की पत्नी का बंडल अच्छा लगता है तो वो गाइस यार अभी ले सकते हो आप लोग, 40% ऑफ में इसकी पत्नी का बंडल बिक रहा है। मतलब यार एडम तो यार एकदम का बेशरम है, तो सो गाइस यार कुछ शरम नहीं, अपनी बीवी का कपड़ा बेच रहा है 40% ऑफ में। ठीक है, यानी गाइस यार जो भी आप लोग का डायमंड लगेगा आज के लिए सस्ता लगेगा, तो जिसको भी गाइस यार लेना है वो ले सकता है 40% ऑफ में, जहां तक अभी तक लीक्स मिली। और गाइस यार इन केस ये जो लीक्स रॉन्ग हो गई, वैसे तो मुझे जहां तक लग रहा है ये आज राइट ही होगी, अगर इन केस ये रॉन्ग हो गई तो आप लोग मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट एक बार चेक कर लेना। कम्युनिटी पोस्ट में जो भी करेक्ट न्यूज़ होती है 9:30 में रात के मैं टुनाइट अपडेट की न्यूज़ ढाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेते हैं, वहाँ पर सारे जो आती है 100% वही वाली चीज़ें मैं कम्युनिटी कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट गाइज हमारे बाय वन गेट टू फ्री इवेंट से। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बाय वन गेट टू फ्री एक बहुत ही पुराना इवेंट है हमारे गेम के अंदर का, जिसमें गाइज यार आप लोगों को एक चीज़ खरीदो तो आप लोगों को दो चीज़ फ्री भी मिलती है। ठीक है, अब यार बहुत सारे बंदों को इस इवेंट के बारे में पता होगा, बेसिकली यार एकदम टट्टी सा इवेंट होता है, बट गाइज यार अभी लीक्स मिले कि आप लोगों को बहुत ही जल्द हमारे गेम पे या तो बाय वन गेट टू फ्री इवेंट देखने को मिल सकता है या फिर हैकर स्टोर देखने को मिल सकता है। इन दो तीन इवेंट्स में से कोई इवेंट्स बहुत ही जल्द दोबारा आपको गेम पे दिखेगा। ठीक है, अब उस इवेंट में गाइज यार आप लोगों को ये जो बंडल मैंने आप लोगों को बार बार दिखाया, ये वाला बंडल गाइज यार अलग अलग सर्वर पे अलग अलग तरीके से आ रहा है, कहीं पर अलग तरीके से आ रहा है, कहीं पर अलग तरीके से आ रहा है, तो हमारे सर्वर पे आप लोगों को ये बंडल तो दिखेगा ही, मैंने आप लोगों को बोला था। तो बाय वन गेट टू फ्री पे भी आप लोगों को ये वाला बंडल हमारे सर्वर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट गाइज हमारे जो ब्लैक वाला टी शर्ट है उससे। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे गेम पे गाइज बहुत पहले एक ब्लैक वाला टी शर्ट आया था, मतलब जो गाइज काफी डिमांडिंग था, जो गाइज काफी बंदों को चाहिए था। ठीक है, अब यार पहले के टाइम पे तो यार बंदे लोग ने ले नहीं पाए थे, और जहां तक मुझे याद है ब्लैक वाला ये जो टी शर्ट है ये फ्री पे आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, बट ये जो ब्लैक वाला टी शर्ट है किसी इवेंट में जिसमें भी आया था तो ये काफी डिमांडिंग था, तो अभी गाइज दोबारा आप लोग को जो ब्लैक वाला जो टी शर्ट है और उसी के साथ साथ कुछ यार 7-8 जो ऊपर के ड्रेस है वो गाइज आप लोग को जल्दी गाइज गेम पे देखने को मिलने वाले, क्योंकि आज के लिए बहुत सारे सर्वर पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हॉट स्किन फॉर 2021 इसे लिखा हुआ है और फ्रॉम ओनली 21 डायमंड्स लिखा हुआ है। अब फ्रॉम ओनली 21 डायमंड्स का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 29 डायमंड्स में ये जो स्किन्स है ये मिल जाएगी, जो मतलब टी शर्ट है सॉरी, तो आप लोग यार ये मत सोचो कि 29 डायमंड्स में मिलेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि 29 डायमंड्स से आप लोग का या तो कुछ यार स्पिन वाला इवेंट भी आ सकता है, जहाँ पर आप लोग का जो स्पिन है वो 29 डायमंड से स्टार्ट होगी, और आप लोगों घटे घटे हुए जो बंडल है वो स्टार्टिंग में 29 डायमंड से दे दे, फिर लेट लेट में आप लोग को जो ब्लैक वाली जो मेन टी शर्ट है वो देखने को मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि
29 डायमंड्स आप लोगों को मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी आपकी 29 डायमंड्स से स्टार्टिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि 29 डायमंड्स में कोई घटिया टी शर्ट हो, तो ऐसा कुछ यार इवेंट आएगा आप लोगों का बहुत ही जल्द गेम पे, जहाँ पर आप लोगों को ब्लैक वाला जो टी शर्ट है जो काफ़ी डिमांडिंग है वो भी देखने को मिलेगा। अब यार आप में से जिस बंदों को वाली जो ऊपर वाली ड्रेस पसंद है तो आप लोग यार थोड़ा सा वेट कर सकते हो, अपने जो डायमंड्स है वो बचाओ, क्योंकि आजकल वो काफ़ी सर्वर पर आ रहा है, तो बहुत ही जल्द गाइज़र आप लोग को हमारे सर्वर पर भी वो देखने को मिल सकता है वापस। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट गाइज़र हमारे कोई मिल गया मूवी के हीरो यानी ऋतिक रोशन यानी गाइज़र हमारे जय करेक्टर जो गाइज़र काफ़ी एड़ा था कोई मिल गया मूवी में, बिल्कुल गाइज़र इसकी तरह मतलब आप लोग देख सकते हो ऐसे ही गाइज़र ये मूवी में भी एड़ा था, तो गाइज़र गेम पर भी हम लोग को जो जय करेक्टर है वो बिल्कुल एड़े जैसा ही दिया है, आप लोग को पता ही होगा। तो जय करेक्टर के ग्लू वॉल से तो आप लोग को पता ही होगा कि जय करेक्टर का ग्लू वॉल भी आने वाला है, तो ये जो ग्लू वॉल है गाइजर कहा जा रहा है कि आप लोग को जल्दी कोई इवेंट में देखने को मिल सकता है, और ये आप लोग गाइजर जल्दी टॉपअप में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग को नेक्स्ट ऑफ इवेंट में देखने को नहीं मिलेगा जो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यार नेक्स्ट ऑफ इवेंट में तो यार कुछ वन पंच मैन पे बेस्ट ही मिलेगा, मैं आप लोग को बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, पिछले बार तो लोग ने वन पंच मैन में नहीं दिया, बट आप लोग का शायद 3-4 दिन बाद आने वाला है नेक्स्ट ऑफ इवेंट, तो आप लोग को गाइजर 100% वन पंच मैन इवेंट में बेस्ट शायद उनका वाला जो ग्लू वॉल है वो भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइजर आप लोगों को जो ऋतिक रोशन सरजी का जो मतलब ये एड़े का ग्लू वॉल है वो देखने को मिल सकता है, मतलब यार फरवरी में आप लोगों को कुछ इवेंट में आप लोगों को ये वाला ग्लू वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट गाइजर हमारे टाइटन इनविटेशन टूर्नामेंट के रिवॉर्ड से, तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा गाइजर अभी टूर्नामेंट आने वाला है, मैंने आप लोगों को परसों वाली वीडियो में बताया था, उससे पहले भी बताया था कि टूर्नामेंट आने वाला है 16-17 तारीख को, आप लोगों को दो रिवॉर्ड्स मिलने वाले फ्री पे, एक तो गाइजर आप लोगों को इमोट मिलने वाला है जिसमें आप लोगों को 2 लाख की वॉचिंग करानी है 17 तारीख को, और एक तो आप लोगों को 16 तारीख को 1 लाख की वॉचिंग करानी है फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल चैनल में, तो आप लोगों को ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात तो गाइजर पुरानी है, बट यार मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो आप लोग सुन लो। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसा कि आपको पता है यार ये जो रिवॉर्ड है आप लोगों को एक वेबसाइट में जाना पड़ता है और वेबसाइट में जाकर रिडीम करना पड़ता है। ठीक है, अब जिसको पता नहीं मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे रिडीम करना पड़ता है, जिसको पता नहीं उन लोग के लिए थोड़ा सा पार्ट बता दूंगा। ठीक है, अब वो जो वेबसाइट है गाइजर कहा जा रहा है कि आप लोग की जल्दी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब वो गाइजर 16-17 तारीख से पहले चेंज हो गए तो आप लोग को मुश्किल हो जाएगी, आप लोग जो अपने रिवॉर्ड है वो गाइजर रिडीम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जाओगे उस वेबसाइट और वेबसाइट चेंज हो चुकी है तो आप लोग रिडीम भी कर लोगे तो आप लोग कुछ नहीं मिलेगा, मतलब अभी तक लीक्स मिली है। अभी वेबसाइट गाइजर गरीना क्यों चेंज कर सकती है मैं आप लोग को बता दूं, मतलब इसके क्यों चांस बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है जब भी यार ये कुछ भी टूर्नामेंट होता है और जब भी यार बंदे लोग रिडीम करने जाते हैं तो हमेशा उस वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो वेबसाइट काफी घटिया है उसका जो सर्वर, तो गरीना वाले सोच रहे कि गाइजर न्यू वेबसाइट बनाए जिसमें गाइजर लोग को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि गाइजर आप लोग को पता होगा कि जब भी रिवॉर्ड्स आते हैं तो हर बार वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है और यार काफी सारे बंदे रिडीम नहीं कर पाते, तो इसीलिए लोग ने यार काम चालू कर दिया न्यू वेबसाइट में। अब देखते हैं यार वो कब तक होता है, ये कि ये भी हो सकता है कि 15-16 से पहले हो गए तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप लोग गाइजर अगर चैनल पर नए हो या पुराने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लो, इन केस कुछ भी चेंजेस हुआ मतलब कुछ भी हुआ तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूंगा, क्योंकि यार आपको पता है यार जब भी रिवॉर्ड्स आते हैं तो मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, और जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं कोई भी टूर्नामेंट कोडा शॉप हो या जो भी हो तो सबसे ज़्यादा मैं ही आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग को अपना जो रिवॉर्ड है वो मिस नहीं करना है, तो बाकी गाइजर आप लोग की मर्जी, मेरा काम था आप लोग को बताना जो भी थी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हो, लाइक करना है तो लाइक कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे लास्ट अपडेट के बारे में, तो लास्ट अपडेट यार हमारे कस्टम रूम से, तो गाइस काफी सब्सक्राइबर लोग मुझे परसों कमेंट कर रहे थे, मैंने परसों वाली वीडियो में भी इसको कवर किया था कि आप लोगों का जो कस्टम रूम कार्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता मत करो। गरीना फ्री फायर ने ये जो प्रॉब्लम आई थी कस्टम रूम की तो इन लोगों ने गाइस यार ये सेंड कर दी अपनी आगे वाली टीम को, और गाइस यार लगभग 90% लोगों को कस्टम रूम कार्ड मिल गए, मुझे गाइस यार खुद मिल गए। ठीक है, लेकिन काफी सारे बंदों का आज भी कमेंट आ रहा था कि भाई उनको कस्टम रूम नहीं मिले, तो जिसको नहीं मिले तो चिंता मत करो, आप लोग को मिल जाएगा आप लोग का कस्टम रूम कार्ड, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि यार अभी यार आपको पता है गरीना ऐसा गेम है जिसमें यार खराबी आते रहती है, इनका जो सर्वर है वही टट्टी, इनके जो एम्प्लॉयर से इंडियन सर्वर के वही टट्टी है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, जब आप लोगों का रिवॉर्ड्स मिलेगा आप लोग का जो ये इसका फ्री फायर टाइटन टूर्नामेंट का, तब आप लोग देख लेना कि लगभग मुझे लगता है फिर से काफ़ी सारे लोग का रिवॉर्ड्स मिस हो जाएगा अगर यही वेबसाइट रही तो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार हर बार मिस होता है, ये जो वेबसाइट है फिर से क्रैश हो जाएगी उस दिन और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बस गाइस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।